students, welcome to our YouTube channel Akshay Academy. Today I am going to start with the first chapter of macroeconomics. Before starting the chapter, let us first understand the name of the chapter and what we will have to study in this chapter. The name of the chapter is Circular Flow of Income. Let us first understand the meaning of the term circular flow of income. हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम होती है वो एक सर्कल की तरह फ्लो होती रहती है और ये फ्लो कभी भी नहीं रुकता है। इस सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये फ्लो कैसे काम करता है। तो इस फ्लो को समझने के लिए हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी में फोर सेक्टर्स हैं। नंबर वन इज हाउस होल्ड, नंबर टू इज फर्म्स, नंबर थ्री इज गवर्नमेंट एंड नंबर फोर इज फॉरेन सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में ये चार सेक्टर्स होते हैं, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। बट अभी हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ हाउसहोल्ड और फर्म को कंसिडर करना है, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को कंसिडर नहीं करना है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, दैट इज हाउसहोल्ड एंड फर्म। तो फर्स्ट सेक्टर इज हाउसहोल्ड एंड द सेकंड सेक्टर इज फर्म। ये जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे, हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में। अब फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है और एज यू ऑल नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फोर तरीके के होते हैं। नंबर वन लैंड, नंबर टू लेबर, नंबर थ्री कैपिटल एंड नंबर फोर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड है वो फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है, फर्म को जितनी भी फैक्टर सर्विसेज चाहिए, लेट सपोज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारी सर्विसेज फर्म को कहां से मिलेंगी, हाउस होल्ड से। और फर्म बदले में हाउस होल्ड को क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट्स। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी, फैक्टर सर्विसेज, और इसके रिटर्न में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दी, फैक्टर पेमेंट्स। अब ये फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, फैक्टर पेमेंट्स भी फोर टाइप्स की होती हैं। नंबर वन लैंड पे हमें क्या मिलेगा, रेंट। नंबर टू लेबर पे क्या देना है, वेजेस। नंबर थ्री कैपिटल पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। एंड नंबर फोर एंटरप्रेन्योर पे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड ने फर्म को जो फैक्टर सर्विसेज दी, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, बदले में फर्म से हाउस होल्ड को क्या दी, फैक्टर पेमेंट्स। लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लो, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को समझते हैं। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगे, हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। देखिए सेकेंड स्टेप में फर्म्स ने हाउस होल्ड को कुछ फैक्टर पेमेंट्स करी है, फैक्टर पेमेंट्स, लेट सपोज एक लेबर ने फर्म के लिए काम करा तो बदले में फर्म ने क्या करा, उसको वेजेस दिया। अब वेजेस से लेबर के पास जो पैसा आया, लेबर ने क्या करा, उस पैसे को स्पेंड कर दिया, किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, यानी लेबर कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा। ठीक है, और कंजम्पशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्म के पास जाना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में हाउस होल्ड ने फर्म के साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा और फोर्थ स्टेप में फर्म ने बदले में हाउस होल्ड को क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड ने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया और उसके बदले में फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो इन आवर इकोनॉमी। फर्स्ट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकेंड इज फ्लो ऑफ मनी। तो देखिए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां कहां हो रहा है, वन एंड फोर। वन में देखिए फैक्टर सर्विसेज यानी फ्लो ऑफ सर्विसेज हुआ एंड फोर में देखिए, दिस इज द नंबर फोर, फोर में देखिए गुड्स एंड सर्विसेज।
नंबर वन पे हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है और नंबर फोर पे फर्म्स ने हाउस होल्ड को बदले में क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो नंबर वन और नंबर फोर वाले फ्लो को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखते हैं फ्लो ऑफ मनी कौन सा है, फ्लो ऑफ मनी इज नंबर टू एंड नंबर थ्री। नंबर टू पर देखिए फ्लो ऑफ मनी हुआ है, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दी है, फैक्टर पेमेंट। नंबर टू पर फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिए यानी मनी का फ्लो हुआ है और नंबर थ्री पे हाउस होल्ड ने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है। तो इन दोनों में टू और थ्री में फ्लो ऑफ मनी हुआ है और नंबर वन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वन एंड फोर पार्ट। अब देखते हैं इन दोनों फ्लो का नेम क्या होता है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम बोलते हैं रियल फ्लो और फ्लो ऑफ मनी को हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो हमने समझा कि कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क करता है। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन। ये एक साइकिल है किस चीज की, जनरेशन की। जनरेशन किस चीज की करनी है हमने, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने क्या करा, इनकम जनरेट करी, उसके बाद क्या करेंगे, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो इनकम हमने जनरेट करी है उस इनकम की हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। जो इनकम हमने जनरेट करी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और फाइनली क्या होगा, उसी इनकम की सर्कुलेशन होगी हाउस होल्ड से फर्म के पास इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं, रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल है किस चीज की, इनकम को जनरेट करने की। और इनकम जनरेट हम कैसे करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में। और जो हमने इनकम जनरेट करी है फिर उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर करना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फाइनली उसकी सर्कुलेशन होगी हाउस होल्ड से फर्म के पास किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कैसे कर रहा है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। यानी फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, हाउस होल्ड अब उस गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, लेट अस अंडरस्टैंड दीस फ्लोस इन डिटेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोस, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अभी हमने पढ़ा था फ्लो नंबर वन एंड फ्लो नंबर फोर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज रियल फ्लो। एंड फ्लो नंबर टू एंड फ्लो नंबर थ्री इज फ्लो ऑफ मनी, दैट इज मनी फ्लो। तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं और वन बाय वन इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं और ये टॉपिक हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डिफरेंस बिटवीन करते हैं किसी भी चीज में, हमें उसे टेबुलर फॉर्म में करना है और उसके बेसिस जरूर लिखने हैं। हमें कभी भी डिफरेंस बिटवीन को पैराग्राफ फॉर्म में नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट बेसिस इज मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल फ्लो, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने बताया था कि रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। तो रियल फ्लो इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड व्हाट इज द मनी फ्लो, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। रियल फ्लो में किस चीज का फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे हमने यहाँ पर देखा इसमें और इसमें, फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी यानी थर्ड में और सेकंड में। सेकंड में देखिए क्या है, फैक्टर पेमेंट्स, और थर्ड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोनों में ही क्या है, मनी फ्लो है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं काइंड ऑफ एक्सचेंज। रियल फ्लो में किस टाइप का एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने ऊपर पढ़ा। और मनी फ्लो में क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी। थर्ड देखते हैं डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। रियल फ्लो में किस टाइप की डिफिकल्टी आती है, रियल फ्लो में डिफिकल्टी आती है डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी गुड्स के बदले गुड्स। अगर हमें कोई एक गुड्स परचेज करना है तो हमें बदले में गुड्स देने होंगे। तो बार्टर सिस्टम की बहुत सारे लिमिटेशन है, जैसे कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब मान लो कि मुझे कोई एक चीज चाहिए तो मुझे
ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पर्सन है कि जो मुझे जो चीज मुझे चाहिए वो दे दे और बदले में जो मेरे पास है वो चीज उसको चाहिए हो। तो ये चीज हमारी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस जो कि रियल फ्लो में डिफिकल्टी लाती है। और मनी फ्लो में क्या है, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि लेट सपोज हमें कुछ परचेज करना है तो वो हम इजिली परचेज कर सकते हैं बदले में मनी देकर। अब फोर्थ वन इज, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ बोथ दिस टाइप ऑफ फ्लोस। द ऑल्टरनेट नेम ऑफ रियल फ्लो इज फिजिकल फ्लो। ये पॉइंट हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में टाइप्स ऑफ फ्लो को रियल फ्लो और मनी फ्लो की जगह वो फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो ऑल्टरनेट नेम रियल फ्लो का क्या है, फिजिकल फ्लो, एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ मनी फ्लो इज नॉमिनल फ्लो। तो हमने समझा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। वन बाय वन इनको डिटेल में भी पढ़ा और इनके बीच में हमने डिफरेंस भी देखा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच नेम इज स्टॉक एंड फ्लो। देयर आर टू कांसेप्ट इन दिस टॉपिक, वन इज स्टॉक एंड अदर इज फ्लो। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाना चाहूंगी। द एग्जांपल इज, लेट सपोज देयर इज अ टैंक ऑफ द कैपेसिटी ऑफ 500 लीटर वाटर। ये टैंक है, इसमें 500 लीटर वाटर है और इस टैंक से एक टैप अटैच है और इस टैप से इस तरीके से पानी बह रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टैंक में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना वाटर स्टोर है, तो आप आंसर दे सकेंगे, यस आप आंसर दे सकेंगे, इस टैंक में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 500 लीटर वाटर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टैप से कितना पानी फ्लो हो चुका है, यानी कितना पानी बह चुका है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसी के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि स्टॉक और फ्लो का मीनिंग क्या है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टॉक। स्टॉक मीन्स अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस वर्ड को आपको याद रखना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसी वर्ड के बेसिस पे आप बता पाएंगे कि वेदर अ वेरिएबल इज अ स्टॉक वेरिएबल और अ फ्लो वेरिएबल। तो एक ऐसा वेरिएबल जिसको मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सके, जैसे हमने देखा इस टैंक में कितना पानी है, इसको मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा इस टैंक में कितना पानी है, तो आपका आंसर था 500 लीटर वाटर। और अगर हम बात करते हैं फ्लो की, फ्लो मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो को मेजर करने के लिए हमें एक पीरियड की जरूरत होती है, उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट बेसिस है टाइम डायमेंशन। स्टॉक की बात करें, स्टॉक डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है क्योंकि उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। अगर फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो इट हैज अ टाइम डायमेंशन, क्योंकि फ्लो को मेजर करने के लिए हमें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम चाहिए जिसकी टाइम डायमेंशन होती है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कंसेप्ट। स्टॉक इज अ स्टेटिक कंसेप्ट। स्टेटिक मीन्स विच डज नॉट चेंज। स्टॉक एक ऐसा कंसेप्ट है जो चेंज नहीं होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हम टाइम पे देखें तो वो स्टेटिक यानी स्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं फ्लो की, फ्लो इज अ डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्लो एक डायनामिक कंसेप्ट है, वो स्टेबल नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसके डिफरेंस बिटवीन द, दैट इज एग्जांपल। तो स्टॉक का एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31st March 2020। इसमें देखिए वर्ड पे फोकस कीजिए ऑन। इन्होंने क्या पूछा, इंडिया की पॉपुलेशन 31st March 2020 पर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, यानी एक पर्टिकुलर डे की अगर हम बात करें, दैट इज 31st March 2020, उस पर्टिकुलर डे पर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं। फ्लो का एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ
बर्थ्स इन 2019 पूरे ईयर में कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं, इसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक पीरियड की बात करी है, यानी पूरे ईयर 2019 की बात करी है। तो आई होप आपको इन दोनों टॉपिक का कंसेप्ट और दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।